बैठो यहाँ पे। तुम्हें पता है आज भी तुम्हारे अब्बू ऑफिस से आते ही सीधा ऊपर चले गए। सकीना भाभी के साथ जो कुछ हुआ है तुम्हारी ताई एक के बजाय चार लगा के सुना रही होंगी तुम्हारे अब्बू को। लेकिन बेटा तुमने घबराना नहीं है और ना ही डरना है, समझी तुम? लेकिन अम्मी, अगर अब्बू ने आदिल भाई की मंगनी पे जाने से मना कर दिया तो? मेरे तो इकलौते भतीजे की शादी है, मुझे तो जाने से मना किया भी ना तो शायद जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे अब्बू की ये बात नहीं मानूंगी। लेकिन लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें जाने से मना किया ना तो बेटा मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ नहीं सकूंगी। तुम बेटी हो उनकी, तुम पर इख्तियार है उनका, इसलिए बेटा तुम्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। अच्छा हुआ भाई तुम दोनों एक साथ मिल गईं। सुना है तुम्हारी भाभी आई थी, सकीना भाभी। सुना है आदिल की मंगनी हो रही है? जी, उसी का इनविटेशन देने के लिए आई थी वो। वैसे इनविटेशन देने आई थी या मेरे भाई और भाभी को जलील करने आई थी? सकीना भाभी ने आपके भाई भाभी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, वो तो वही बता रही थी जो फरमान ने उनके घर में घुस के किया। कोई गुस्ताखी नहीं की, पर वो जो सारे रिश्ते तोड़ने का कहा और वो भी इंतहाई बदतमीजी और बद अखलाकी से, वो क्या था? आपकी बेटी वहां मौजूद थी, आप पूछ ले इससे। सकीना भाभी ने कोई बदतमीजी नहीं की है। हाँ अलबत्ता रिश्ता तोड़ने का इजहार उन्होंने साफ लफ्जों में जरूर किया, और ये तो उनका हक है, उनकी मर्जी है, वो जिससे चाहे रिश्ता रखे जिससे चाहे ना रखे, उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? तुम कुछ नहीं कर सकती हो, मैं तो कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे घर से इस मंगनी पे कोई नहीं जाएगा, समझी? नहीं मंसूर, समझने की जरूरत मुझे नहीं आपको है। मैंने सारी जिंदगी आपके कहे को हुक्म समझ के माना है। मेरा एक ही इकलौता भतीजा है, ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूं। आप मुझे मत रोकिएगा और ना ही मैं रुकूंगी। ठीक ठीक है, तुमने जाना है तो तुम चली जाना, लेकिन मैं और मेरी बेटी नहीं जाएंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं अब्बू? कब से अपनी शादी में लगाई हुई आग में जल रही हूं मैं? कोई है जिसने एक कदम भी उठाया हो मेरे उस दुख को कम करने के लिए? बोलिए, क्या है कोई जिसे मेरा भी एहसास हो? यहां पे तो हर कोई बस अपनी अपनी इज्जत और अना के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे तो किसी को फिक्र ही नहीं। कुछ देर के लिए आदिल भाई की मंगनी में शरीक होके शायद मैं अपना गम भूल जाऊं। आप मुझे उससे भी महरूम रखना चाहते हैं? प्लीज अब्बू, प्लीज अपनी बेटी के साथ ये जुल्म मत कीजिए, प्लीज।